लिटरली भाई चेक करो कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है भाई। लेट्स गो फाइनल यार, हम लोगों ने बुलेट खरीद लिया है भाई। ट्रक वाले अंकल जी ने भाई फुल भाई उड़ा दी लिटरली भाई। मेरे साथ तो काफी ज्यादा खतरनाक सीन हो गया है एंड भाई खतरनाक भी काफी ज्यादा दर्दनाक सीन हुआ है। कुछ भी नहीं कर सकता, देख लो भाई मेरी रॉयल एनफील्ड बुलेट भाई लिटरली ये लेके जाने वाला है। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द सीरीज। पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा होगा कैसे यार हम लोगों ने पूरे $5 मिलियन की बैंक रॉबरी करके सक्सेसफुल यार हम लोग ट्रेवर के घर पर आ गए थे। मतलब यार अभी ना मैं 2 दिन से ट्रेवर के गांव में ही रह रहा हूँ एंड अभी यार लेस्टर का मेरे को कॉल आया था एंड अभी उसने बताया कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, अभी हम लोग सिटी में आराम से आ सकते हैं, कोई भी हमको दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी भाई ये वाली गाड़ी तो तुम्हें याद ही होगी, इस वाली गाड़ी ने हमारी कितनी ज्यादा मदद की थी। मतलब यार इसी वाली गाड़ी से हम लोग भाग के आए थे। बाकी यार हायाबूसा वगैरह भी अभी जा चुकी है हमारे पास से। अगर तुम लोगों ने बाय द वे नहीं देखा हो ना पिछला एपिसोड तो अभी ये वाला पूरा एपिसोड देख लो। बाकी आउटरो में मैंने लगा दिया वो वाला एपिसोड, तो जरूर से चेकआउट करना वो भी। बाकी हाँ यार, तो ये वाली गाड़ी ने ना तो हमारा बहुत ज्यादा मदद किया है क्योंकि यार हम लोग इसी वाली गाड़ी से आए थे ट्रेवर के गांव पर बिना किसी दिक्कत के। बाकी यार अभी तुम लोगों को लग रहा होगा ये बार बार यार हर वीडियो में कलर कैसे चेंज हो रहे हैं, तो देखो भाई अभी ना मेरे को जाना है सिटी में एंड यार अभी मैं पुरानी वाली गाड़ी से जाऊंगा तो फंसने की चांसेस है क्योंकि भाई अभी हाईवे पर ना चेकिंग चल रही है, पूरी तरह से क्लियर हुआ है। मतलब सिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है बट हाईवे पर अभी भी चेकिंग है, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना भाई गाड़ी का रंग वंग पूरा रूप वगैरह सब बदलवा दिया जाए। हाँ भाई तू अंगड़ाई ले ले क्योंकि भाई 2-3 दिन से ना मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ एंड यार अभी ना हम लोग गाड़ी की थोड़ी बहुत इंजन वगैरह में कुछ दिक्कत थी तो वो ये वाले बंदे सही करे। बाकी यहाँ पे रॉन क्या कर रहा है भाई तू, ये अपना प्रैक्टिस कर रहा है भाई ऐसे ही। बाकी ओ भाई ओ गाड़ी सही हो गई भाई कि जल्दी बताओ भाई मेरे को निकलना भी है। बाकी अभी तो भाई इनको इनका काम करने देते हैं एंड अभी थोड़ी देर में यार हम लोग जाने वाले अपने घर पर एंड देखते भाई वहां पर क्या होता है, हमारा कट वगैरह हम लोगों को कैसे मिलता है। तो यार चलो अभी ना इनको गाड़ी सही करने देते हैं। तब तक आप सब अगर न्यू आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का बटन आ रहा है उसको जाके प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को दबा कर उसको ऑल पर रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। चलो भाई अभी तो पूरे 2-3 घंटे हो चुके हैं, हमारी गाड़ी रिपेयर हो चुकी है। पता नहीं भाई हमारी गाड़ी तो ना लॉस सेंटोस में बैन ही रिपेयर करता था, अब पता नहीं भाई इन वाले बंदों ने ऐसी रिपेयर करी। तो चलो भाई अभी तो फटाफट से बैठते हैं इस वाली गाड़ी में एंड निकलते हैं भाई शहर के लिए। बाकी ट्रेवर तो सो रहा है, उसको ना मैंने पिछली वाली रात ही बता दिया था कि भाई मैं तो निकलने वाला हूँ। बाकी यार गाड़ी तो हमारी बिल्कुल बिल्कुल सही है एंड तुम इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुनो भाई, पूरी रोर कर रही है गाड़ी। बाकी अभी ना मेन लाइन से तो हम नहीं जाने वाले, इसी वाले रास्ते से चलते हैं एंड भाई तुम्हें ये वाला रास्ता भी याद आ रहा होगा, ये वाला रास्ता वही है भाई जब हम लोगों ने सबसे पहले एपिसोड में लैम्बोर्गिनी चुराई थी अपनी डगन बॉस वाली गाड़ी, जिसकी वजह से भाई इतना सब कुछ हो गया है हमारे साथ कि पूछो मत भाई। पिछले तुम एपिसोड्स देखना जरूर, अगर तुमने ना देखे होगी क्या क्या हुआ है हमारे साथ। एंड यार उसी वाली गाड़ी को भी ना हम लोग इसी वाले रास्ते से लेके गए थे। बाकी मैं काम करता हूँ फटाफट से ना सबसे पहले अपनी घर की लोकेशन लगा देते हैं क्योंकि भाई अभी तो फटाफट से हम लोग घर ही जाने वाले हैं एंड वहां पर भी अभी कोई भी दिक्कत नहीं है एंड चलते भाई फिर थोड़ा बहुत आराम करेंगे एंड फिर जाएंगे भाई लेस्टर के पास क्योंकि मेरे को ना अपना थोड़ा बहुत पैसा भी लेना है जो भी थोड़ा बहुत ड्यू होगा। देखो भाई थोड़ा थोड़ा कट ही मिलने वाला है क्योंकि बाकी बचे पैसे जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था पिछले एपिसोड में कि भाई हम लोग ना इलेक्शन में लगाने वाले हैं एंड यार इलेक्शन में क्यों लगा रहे हैं, ताकि भाई माइकल को ना हम लोग इलेक्शन इस बार लड़वाने वाले हैं एंड यार ट्राई करेंगे कि उसको प्रेसिडेंट बनवा दे भाई। लिटरली अगर हम में से यार हमारा कोई बंदा अगर प्रेसिडेंट बन जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा सही होगा क्योंकि अभी तुम्हें पता होगा भाई डगन बॉस इस समय कितना ज़्यादा पावरफुल है एंड यार उसके अंडर ही प्रेसिडेंट एंड मिलिट्री अभी इस समय की लॉस सेंटोस की काम कर रही है एंड अगर हम लोग ना उस वाली चीज़ को ही अंडरटेक कर लेंगे तो हम लोग भाई फिर डगन बॉस से भी लड़ सकते हैं। बट ये भाई ना मैं जितनी आसानी से कह रहा हूँ ना ये उतना आसान होने नहीं वाला है क्योंकि भाई इस सब में लगेगा बहुत ज़्यादा पैसा एंड काफ़ी ज़्यादा फाइट भी करनी पड़ेगी क्योंकि भाई जो अभी पे प्रेसिडेंट है ना उसको डगन बॉस का पूरा सपोर्ट है। हाँ भाई ये इंटरनल न्यूज़ है कि डगन बॉस का पूरा सपोर्ट है इस समय प्रेसिडेंट का एंड यार जिस दिन हमने वो गाड़ी चुराई थी ना डगन बॉस के बेटे की, यार उस दिन डगन बॉस का बेटा वहाँ पर ही आया हुआ था। बट एक सेकेंड यार, यहाँ पर ना मेरे को कुछ तो दिखाई दिया अभी सामने एंड यहाँ पर तो शायद भाई पुलिस नाका वगैरह लगा हुआ है, शायद से भाई यही वाला चेक पॉइंट है जिसकी लेस्टर बात कर रहा था। बट कोई दिक्कत नहीं है भाई क्योंकि यार हमारी गाड़ी का तो पूरा कलर वगैरह चेंज है एंड अभी तो भाई थोड़ी बहुत थूक भी गई है तो लुक वगैरह भी पूरा चेंज है। तो हम लोग भाई फाइनली सिटी में एंटर कर चुके हैं भाई, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना लॉस सेंटोस वापस आके एंड यार ये वाले चेक पॉइंट से तो हम बच गए। तो फटाफट से ना लेस्टर को भी कॉल मार देते हैं एंड उसको भी भाई बता देते हैं कि हम लोग भाई आ चुके हैं लॉस सेंटोस एंड आगे का क्या प्लान है उससे भाई जान लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है यार, वो ना मेरे को बुला रहा है सीधा अपने वेयर हाउस में। वो बाकी हो चाचा जी गाड़ी सही से चला ले भाई, ठोक दी एक तो वैसे ही मेरी गाड़ी पूरी ठुकी हुई है। बाकी ओ तुम्हारी भैंस की आँख,
तुम भाई ज्यादा गंदी तरीके से गाड़ी नहीं चला रहे, काम कर तू उतर भाई, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह भी कर ले भाई, बहुत दिन से लड़ाई वगैरह भी नहीं किया, बाकी अब बता अब ठोकेगा गाड़ी तू मेरी, तुम्हारी बहस किया, सही से गाड़ी चलाया करो। बाकी मैडम जी आप मत डरो, आपको नहीं हम लोग मारने वाले, हाँ निकल जाओ आप चुपचाप से, मेरी गाड़ी में ठोकना बस कोई भी बंदा। बाकी चलो भाई अभी तो छोटी मोटी ना मेरी लड़ाई ऐसी होती रहती है भाई, ये लोग ना गाड़ी इतनी गंदी तरीके से चलाते, देखो यार मैं मार लू ना कोई बात नहीं भाई, मैं अच्छा ड्राइवर हूँ मेरे को पता है ये बहुत अच्छे से, बट भाई ये लोग कैसे मार रहे, ओ अच्छा अच्छा डर के मारे, मैं को भाई पीछे से आके गाड़ी ठोक रहा है, इतनी हिम्मत हो गई है इसकी। बाकी चलो यार अभी थोड़ा बहुत ना ऐसा चलता रहता है हमारा। बाकी लेस्टर ने ना मेरे को अपनी वेयर हाउस पर ही बुलाया, मतलब अपनी फैक्ट्री वगैरह जहाँ पर वो रहता है, तो उसका ही अंदर ऑफिस है, तो उसने मेरे को वहीं पर बुलाया एंड कह रहा है भाई वहीं पर थोड़ा बहुत जो पैसा वगैरह देना है वो मिल जाएगा, एंड यार बाकी आगे की भी प्लानिंग हो जाएगी कि हम लोग किसको फाइनली लड़वाने वाले। वैसे भाई अभी तक जो नाम फाइनल है ना वो है माइकल, तो भाई माइकल को ही हम लोग प्रेसिडेंट बनता देख सकते हैं अगला लॉस सैंटोस का। एंड भाई अगर ये हो गया ना फिर तो भाई डगन बॉस भाई अपनी फाइट 50% तो हार ही जाएगा, एंड फिर यार 50% तो हम लोग देख ही लेंगे कि भाई हम लोग भी कोई कम है क्या। लेट्स गो भाई, फाइनली पूरे 4-5 दिन बाद देख रहा हूँ मैं अपने घर को, लेट्स गो अभी इस गाड़ी को तो लगाते हैं अंदर, क्योंकि भाई मेरे को जाते पे ना ये वाली गाड़ी बैनी को भी देनी है, एंड अभी चलते भाई थोड़ी देर ना आराम करते हैं, पूल में डुबकी वगैरह लगाते हैं, क्योंकि भाई $5 मिलियन की हमने यार बैंक रॉबरी की थी, वो करना इतना आसान नहीं होता। बाकी यार मैंने सोचा था ना मैं सीधा पूल में डुबकी लगाऊंगा। चलो भाई अभी तो काफी देर नहावा लिए हैं, अभी फटाफट से चलते हैं कपड़े वगैरह चेंज करते हैं एंड चलते हैं भाई सीधा लेस्टर के पास, एंड रास्ते में ना मेरे को बैनी से भी मिलते हुए जाना है थोड़ा बहुत, भाई वो गाड़ी वगैरह है ना वो मेरे को लौटा के देनी है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई आज सूट वगैरह भी पहन ले, क्योंकि भाई अभी ना यार एक स्पेशल सरप्राइज है यार, मेरे को अभी ना पीडीएम से कॉल आया था लिटरली भाई, हाँ हमारी बुलेट आ चुकी है इंडिया से यार, मैंने ना बहुत दिन पहले उसका ऑर्डर दे दिया था जब ये वाली बात चल रही थी ना बैंक रॉबरी वगैरह की, तो मेरे को पता था भाई पैसा तो हम पे तगड़ा ही आने वाला है, और यार मैंने ना अपनी रॉयल एनफील्ड को बुक कर लिया था, अभी तुम्हें पता ही होगा रॉयल एनफील्ड मेरे को कितनी ज्यादा पसंद है। ओ भाई ओ एक सेकंड भाई, पुलिस का सायरन बजता है ना तो मेरे को तो भाई डर लग जाता है कि कहीं मुझे ही पकड़ने तो नहीं आ रहे। बाकी हाँ यार देखो मैं तुम्हें बता रहा था कि मेरे को रॉयल एनफील्ड कितनी ज्यादा पसंद है, मैंने अपनी इस वाली बाइक को भी ना रॉयल एनफील्ड लुक बनाने की कोशिश की थी, बट भाई अभी ना मेरा मन पूरा भर चुका है एंड मैं फाइनली भाई अभी रॉयल एनफील्ड लेने वाला हूँ, एंड अभी ना मेरे को कॉल वगैरह भी आ चुका है सीमियन का, तो वो कह रहा है गाड़ी आ चुकी है भाई उठा के ले जा। बाकी लेट्स गो अभी तो फाइनली यार इस वाली गाड़ी में बैठते हैं, इसको बैनी को देंगे, अपना पैसा उठवाएंगे भाई लेस्टर के यहाँ से, एंड फिर भाई चलेंगे अपनी बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। बाकी तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोगों को बुलेट पसंद है कि नहीं। ऑलराइट गाइस फाइनली मैं आ चुका भाई बैनी मोटर वर्क्स, बाकी लगा देते हैं भाई इसकी गाड़ी को फटाफट से अंदर ही, एक काम करता हूँ ना भाई यहीं लगा देता हूँ, बैनी अपना देख लेगा भाई, इस गाड़ी को बेच वेच के भी थोड़ा बहुत पैसा हमको मिलने वाला है। बाकी भाई बैनी तो अभी गया हुआ है, मेरे को कॉल आ गया था, एंड अभी यार फाइनली मैं निकलने वाला हूँ सीधा लेस्टर के पास, देखते भाई लेस्टर क्या बातचीत हम लोगों को एक्स्ट्रा कराने के लिए बुलवा रहा है। बाकी देखो भाई पैसे तो देगा मेरे को इतना पक्का पता है, बाकी भाई कोई मुझे अपनी बाइक या गाड़ी कोई दे दो भाई फ्री में, मैं तुमको भाई होम डिलीवरी करवा दूंगा। चलो भाई गाड़ी वगैरह तो मिल चुकी है एंड मैडम जी को थैंक यू भी बोल दिया है मैंने, एंड गाड़ी हम लोग भिजवा देंगे। बाकी यार अभी फटाफट से ना लोकेशन लगा देते हैं लेस्टर की फैक्ट्री का, ओके हम लोगों को जाना है यहाँ पर, यहीं पर मिल जाएगा हम लोगों को लेस्टर, ओके भाई पीछे से जाना है। बाकी लेट्स गो भाई अभी फाइनली मैं अपनी गाड़ी को इस वाली गाड़ी को भगाते हुए आपको मिलता हूँ सीधा लेस्टर की फैक्ट्री पर ही। तो चलो यार अभी तो बाकी मैं फाइनली आ चुका हूँ लेस्टर की भाई फैक्ट्री पर, यार देखो यहाँ पर ये कपड़े वगैरह बनवाता है वो, बाकी वो मैडम जी लेस्टर कहाँ पर है। ऑलराइट भाई तो लेस्टर का पता तो मेरे को लग चुका है भाई, वो इस वाले कमरे में क्या कर रहा है लेस्टर। बाकी यार फिलहाल के लिए ना ये वाला लेस्टर का ऑफिस है, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई यहीं पर सारी प्लानिंग वगैरह होती है हम लगा कर नेक्स्ट मिशंस की। लेट्स गो भाई अभी तो फाइनली मिलते हैं लेस्टर से। ऑलराइट गाइस सो लेस्टर से तो ना मेरी बात हो चुकी है पूरी भाई, आगे प्लान वगैरह क्या करना है। यार इसने ना मेरे को अभी फिर से भाई एक और चीज बताई है जिसमें भाई हम लोगों को फिर से वही बैंक रॉबरी वगैरह करनी है, बट यार इस बार छोटी मोटी बैंक रॉबरी नहीं है भाई, इस बार हम लोग डाका डालने वाले हैं पैसिफिक बैंक पर, जो कि भाई लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा बैंक है, लिटरली भाई सबसे ज्यादा बड़ा बैंक है लॉस सैंटोस का, एंड भाई अमीर से अमीर बंदों के वहीं पर पैसे गोल्ड वगैरह सब कुछ रखे रहते हैं। एंड यार लेस्टर मेरे को बोला है अगर हम लोगों ने वो वाली रॉबरी सक्सेसफुल कर ली तो हम लोगों को मिलेंगे भाई पूरे के पूरे $50 मिलियन, जो कि भाई हमारे लिए काफी ज्यादा सही भी रहेगा। एंड यार मैंने भी हाँ बोल दिया कि तुम लोगों को तो पता है भाई फ्रैंकलिन कितना एक्सपर्ट है भाई रॉबरी वगैरह करने में। बाकी भाई एक और खुशखबरी है भाई, पैसे वगैरह भी हम लोग
लोगों को मिल चुके हैं जो हमने पिछली बार रॉबरी की थी ना, उसका भाई हमें छोटा मोटा कट मिल चुका है। देखो भाई $5 मिलियन में से भाई लेशन ने $4 मिलियन तो इलेक्शन के लिए रोक लिया है, बाकी भाई थोड़ा बहुत पैसा हमें भी दे दिया है। बाकी लेट्स को भाई अभी यहाँ से ना मेरे को एक और गाड़ी का कोई इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी वाली गाड़ी लो भाई जो अच्छी लग रही हो, एंड या PDM वगैरह तक जाना है हमको तो हम लोग फास्ट भी पहुंच जाए। चलो भाई आप अपनी गाड़ी दे दो मैडम जी, बाकी हम लोग आपकी गाड़ी भी पूरा डिलीवर करवा देंगे जैसे हमने उन मैडम जी कर रहे हैं। बाकी यार सेम ही गाड़ी लग रही है, बस कलर चेंज है। बाकी एक सेकेंड सर जी आप उतर जाओ, लो बेकार में भाई चिल्लाता रहेगा नहीं तो बेफालतू में भाई दिमाग खराब करेगा। बाकी अभी लगाते हैं सीधा PDM की लोकेशन एंड चलते भाई अपनी बाइक लेने के लिए कि भाई हम लोगों को जाना है इधर, बाकी ज्यादा दूर नहीं जाना, पास में जाना है। लेट्स गो भाई। जब से ना फिर को फोन आया ना सीमियन का भाई, तब से भाई लिटरली तुम लोग भरोसा नहीं करोगे, कल रात से मैं लिटरली भाई सोया भी नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ना अपनी बाइक देखने का काफी ज्यादा मन कर रहा है। एंड भाई लिटरली अभी कुछ सेकंड्स में भाई उस वाली बाइक को चला रहे होंगे। लेट्स गो भाई, फाइनली भगाते हैं, नेक्स्ट कट से लेफ्ट लेना है। बाकी वो एक सेकंड, चलो कोई नहीं भाई, क्या ही मारूं अब इन लोगों को, कि भाई मेरी गाड़ी तो है नहीं जो नुकसान करे। हाँ भाई अगर बुलेट को कोई ठोकेगा ना फिर तो भाई वो वाला बंदा बचने नहीं वाला। कि लेट्स गो, यहाँ पर तो भाई काफी ज्यादा भीड़ लग रही है, अभी देखना पड़ेगा सीमियन कहाँ पर है। ऑलराइट गाइस, अभी पेमेंट वगैरह हो चुका है, भाई बाइक्स वगैरह बाहर ही खड़ी हुई है। लेट्स गो भाई, हम लोगों ने परचेज कर लिया है बुलेट। चेक दिस आउट गाइस, लिटरली भाई चेक करो कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है भाई। लेट्स गो, फाइनली यार हम लोगों ने बुलेट खरीद लिया है, एंड यार हम लोगों ने खरीदी है इसको रेड कलर में। बाकी तुम लोग मेरे को कमेंट में बताना कैसी लग रही है भाई हमारी नई वाली बुलेट। बाकी अभी इधर से चलते हैं, क्योंकि भाई इधर ना फायरिंग वगैरह होती रहती है, एक सेफ सी जगह चलते हैं भाई, वह फिर तो मैं दिखाता हूँ पूरी बाइक को। बाकी यार मजा ही आ रहा है इसको चलाने में, एंड यार पूरा सूट वूट पहन के फुल हम लोग रेडी होके आए थे अपनी बाइक वगैरह को लेने के लिए। बाकी यार इधर से पहले सबसे पहले तो भगाते हैं, बाकी भाई फुल यार 100 वगैरह पे भाग रही है ये वाली बाइक। एंड अभी ना यार मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा है इस वाली बाइक को चलाने में, काम करते हैं ना इधर ही कहीं लगाते हैं अपनी बाइक को। एंड मैं तुम लोगों को सबसे पहले ना एक बार बाइक का लुक चेक कराता हूँ। लेट्स गो भाई, फर्स्ट पर्सन व्यू में एक बार चेक करो कैसी लग रही है भाई मेरी बाइक, जरूर से कमेंट करके बताना तुम लोगों को कलर कैसा लगा एंड बाइक कैसी लगी भाई ओवरऑल। एंड भाई ये लेटेस्ट है बिल्कुल, एकदम मजा ही आ गया भाई देख के। बाकी यार अभी तो चलते फिलहाल के लिए ट्रेवर के गाँव की तरफ, भाई उधर ही साइड टेस्टिंग करेंगे मस्त, एंड ट्रेवर को भी भाई सरप्राइज देंगे। देख भाई ये वाली चीज मैं लेने के लिए गया हुआ था, बाकी लगाते भाई उसी की एयरपोर्ट की लोकेशन। एंड रास्ते में ना जाते जाते मस्ट यार स्पीड टेस्ट वगैरह भी हो जाएगा। बाकी काम कर फटाफट से फ्रैंकलिन, हेलमेट लगा ले, लेट्स गो, नहीं तो भाई चलान कट जाएगा नई बाइक का। बाकी अभी तो भाई फुल स्पीड में इसको भगाते हैं, एंड अभी ना धीरे धीरे चेक करते हैं। ओ एक सेकेंड भाई, मैंने अपनी नई बाइक को ठोक दिया है, एंड वो तो अच्छा है भाई कुछ भी नहीं हुआ इसकी बाइक को, क्योंकि भाई ये दमदार बाइक है भाई, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा खतरनाक, बिल्ड क्वालिटी एकदम मस्त है, इसलिए भाई कुछ भी नहीं हुआ। बाकी अभी तो भाई भगाते फुल स्पीड में इस बाइक को, एंड निकलते भाई सीधा ट्रेवर एयरपोर्ट के। बाकी लेट्स गो भाई, तुम देख रहे हो 180 190, तो भाई ये यूएई सिटी में ही चल जा रही है। अभी भाई मेरे को चेक करना पड़ेगा हाईवे पे क्या स्पीड रहती है। बाकी यार अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल खाली रास्ता है, लेट्स गो भाई 180 क्रॉस करके, 190 क्रॉस करके क्या हम लोग 200 लगा पाएंगे। बाकी 200 से फुल एक्सेलेरेटर दे रखा है भाई मैंने, लेट्स गो भाई 230 बहुत आराम से लग चुकी है। एंड यार अभी तो फिलहाल के लिए लेट्स गो 250 तक का हम लोग ट्राई करने वाले, इससे ऊपर तो नहीं ले जाने वाला भाई, नई बाइक है। बाकी यार हैंडलिंग देखो कितनी मक्खन जैसी हो रही है। बाकी लेट्स गो भाई 254, ओए एक सेकेंड भाई ट्रक वाले अंकल जी ने भाई फुल भाई उड़ा दी। बाकी एक सेकेंड आंटी जी हैं, भाई पीछे पुलिस भी है तो अभी कुछ कह नहीं सकते, काफी ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। बट यार ऑलमोस्ट हमारी बाइक तो भाई पूरी खत्म ही हो जाती, अभी भी ये वाली बाइक चल रही है। लेट्स गो भाई, कितनी ज्यादा खतरनाक बिल्ड क्वालिटी है, इतना ज्यादा तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। एंड गैस वॉट भाई, अभी भी हमारी बाइक चल रही है। बाकी अभी ना पुलिस वाले भैया जी तो बहुत पीछे रह गए, निकाल भाई भाई इसके ट्रक का, तो भाई आज ऐसा कंज्यूमर बनाऊंगा ना मैं। लो आंटी जी आपके चारों चक्के खराब हो चुके हैं, अब करवा लेना सही और ठोको भाई मेरी बाइक को। बाकी भाई ऐसा ही करने वाला हूँ मैं भाई, जो भी मेरी बाइक बेफालतू में ठोकेगा ना उसका भाई यही ट्रक का हाल हो रहा है। अभी वो चला के ला रहे हो, अभी इनके चारों टायर तो मैंने भाई फाड़ दिए हैं, एंड अभी भगाते इस वाली बाइक को फुल स्पीड में। तो गाइस यार मैं तो अपनी बुलेट को लेकर जा रहा था ट्रेवर को दिखाने के, एंड यार लिटरली भाई मेरे साथ तो काफी ज्यादा खतरनाक सीन हो गया है। एंड भाई खतरनाक भी काफी ज्यादा दर्दनाक सीन हुआ है, तुम देख सकते हो भाई ये बहलास गैंग के बंदे हैं भाई, इन लोगों ने जो मार लगाई है मेरे में वो तो तुम देख ही सकते हो भाई, मार मार के मेरे को पूरा लिटा दिया। एंड यार ये सारे बंदे कितने ज्यादा है भाई, एंड यार इन लोगों को कैसे पता लगा कि मैं अपनी बाइक को लेके यहाँ आ रहा हूँ, कहीं यार सीमियन ने तो नहीं बता दिया उन लोगों को। बाकी भाई अभी तो भाई ये लोग मेरे को नहीं छोड़ने वाले हैं, यार ये मेरी बाइक को भी ले जाने वाले हैं। एंड भाई मेरे को छोड़ दो भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ऑलराइट गाइस, सो बाकी सारे बंदे तो जा चुके हैं, यार अभी ये वाला बंदा भी जा रहा है। भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, देख लो भाई मेरी रॉयल एनफील्ड बुलेट भाई लिटरली ये लेके जाने वाला है।
एंड यार इन लोगों ने मेरे सारे वेपन्स वगैरह भी लिए भाई, फ्री में आती है क्या? एंड यार इन लोगों को हम लोगों से क्या दिक्कत थी कि भाई ये बेलास गैंग वाले बंदे मेरी बाइक को ले जा चुके हैं, बाकी भाई गन पॉइंट में मेरी बाइक जा चुकी है भाई, लिटरली इतनी मेहनत से खरीदी थी, पूरी बैंक रॉबरी हम लोगों ने की थी। एंड यार इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, एक तो भाई कोई गन वगैरह भी नहीं छोड़ी कि मैं भाई शूट वगैरह करके इनसे अपनी बाइक ले सकूं, बाकी भाई 10-12 बंदे यहाँ पर खड़े हुए मेरा इंतजार ही कर रहे थे। एंड यार पता नहीं भाई इन लोगों को क्या हुआ, मेरी बाइक ये लोग लेके जा चुके हैं, बाकी भाई काफी ज्यादा इन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की है। अभी थोड़ी देर ना भाई यहाँ पे पत्थर पे आराम कर लेता हूँ। एंड यार ट्रेवर को कॉल करता हूँ, भाई यार ट्रेवर तेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, तू भाई मेरे को जल्दी से लेने आ जाए। एंड लेस्टर को भी बताना पड़ेगा कि भाई काफी ज्यादा तगड़ा सीन हो गया है, बाकी यार हम तो कोट वोट पहन के आए थे अपनी बाइक की डिलीवरी लेके, यहाँ पर तो काफी खतरनाक सीन हो गया है। अब भाई देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आज के एपिसोड के लिए तो रखते हो, करता हूँ आपका एपिसोड बढ़िया लगा हो, बढ़िया लगा हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ यार आपको कैसा लगा ये एपिसोड। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।